Welcome back, everybody. Aaj hamara mehman ek zabardast drama director, ek pioneering director, ek thought-provoking director. Meri boss bhi reh chuki hai. Or ek zabardast thinker, and especially at a time jab bahut mushkil khawateen ke liye is industry mein, she not only made her mark, but she pioneered many zabardast dramas in that time. And at a time jab censorship ho rahe hai, she not only defied the censors, she defied them in a way that she raised such important issues that weren't being discussed in Pakistan at that time, in such dramas as Hawa Ki Beti, Tapish and Zabinusa. And we are very pleased to welcome the one and only Sahira Kazmi. Assalamu alaikum, Sahira. Wa alaikum assalam. I mean, really, I mean, that was it. You've given me goosebumps. Sorry, ma'am, mujhe aapne nervous kar diya itni tareef karke, but thank you so much. No, but you're giving me goosebumps because, I mean, the more I think about it, you know, the times that you were making these dramas, it was incredible what you got away with. मेरे लिए ये वक्त जो था ना जॉर्ज ये मैं समझती हूँ कि अगर ये चैलेंजिंग टाइम्स ना होते क्योंकि मैंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में काम किया है और स्टेट टेलीविजन पे नेशनल टेलीविजन पीटीवी जो हमारा था उसमें मेरे लिए मेरे सारे जो दोस्त थे कोई भी टेलीविजन में नहीं आया मैं वाहिद अपने क्लास में से समझ लीजिए यू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई वेंट टू टेलीविजन लेकिन मैं ये ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी टेलीविज़न को कि टेलीविज़न के ज़रिए मैंने अपने मुल्क अपने कल्चर अपने आर्ट अपने लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ सीखा दूसरी बात ये कि मुझे अवाम के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला जो अगर मैं शायद टेलीविज़न में ना आती मुझे ना मिलता पर उस ज़माने में जब It was not easy. औरतों को मतलब आप सोचें किसी भी चीज़ में आर्ट्स में स्टेप इन करना तो इतना मुश्किल होता था आपको रेजिस्टेंस मिली थी देखो ये मैं ज़रूर कहूँगी किरण के पीटीवी में मैंने ये ज़रूर देखा था ख़वातीन थीं एजुकेटेड लोग बहुत थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज़रूर पॉइंट है कि एक क्योंकि मैंने एक्टिंग से शुरू किया या एक्चुअली इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग से शुरू किया क्योंकि मुझे उर्दू इतनी नहीं आती थी जॉर्ज बट आपने बहुत एफर्ट की है और मैंने भी फिर की तो जब मैंने डायरेक्शन शुरू की तो मुझे क्योंकि डायरेक्शन ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था लाइक यू सेड उसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें कर सकती थी और स्क्रीन पर ला सकती थी एक्टर की हैसियत से आपको वही करना होता है जो डायरेक्टर आपसे कहते हैं ड्रामे आप चुन सकते हैं जो मैंने अपनी तरफ से ड्रामे इस तरह के चुने जो मैं समझती थी कि ज़रा इंटरेस्टिंग थे या सॉलिड थे यू नो एज एन एक्टर लेकिन एज अ डायरेक्टर जो मज़ा था ना वो जो आपने पहले सवाल किया चैलेंज इतना था कि ये ऑन एयर चला जाएगा कैसे करूं क्योंकि मैं ये समझती हूं कि मैं बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम अ मिडल ऑफ द रोड मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ ओके मैं समझती हूँ कि अगर आप धीरे से करें आराम से करें तो आप वो नहीं आप है जो आराम से वो चीज़ आगे लेके अवाम के सामने या लोगों के सामने ला सकते हैं ये जो लड़ाई झगड़ा मार कुटाई आई डोंट बिलीव इन दैट नो लेकिन ये जरूर हुआ किरण कि अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ वुमन एक औरत की हैसियत से जब मुझे काम करना पड़ा और बहुत से मर्द हजरात जो कहते थे ये तो खुश शक्ल है या शी जस्ट अ प्रिटी थिंग या क्या काम तो नहीं आता ना तो उसके लिए मुझे अपने आप को बड़ा स्ट्रिक्ट बड़ा फर्म रखना पड़ा क्योंकि वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेता आप कहते रहे चाहे अपने स्टाफ को चाहे अपने क्रू मेंबर्स को कहते तो मुझे एक्चुअली अपने आप को मनवाना पड़ा और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मेरे प्लेस जो थे वो कामयाब रहे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स इज दैट द रीज़न कि आपके जो ड्रामे थे उसमें औरतों का इतना सेंट्रल किरदार होता था बिकॉज आप चाह रही थी कि औरतों के स्टेटस को रेज किया जाए मैं यू नो इट्स अनबिलीवेबल किरण लेकिन आई थिंक फ्रॉम माई यंगेस्ट डेज एज अ प्रोफेशनल
आपको पता है जो मेरी पहली सीरीज थी एज एन असिस्टेंट और co-director with my you know senior director Ghufran Imtiazi who directed me mere pehle drama ke wo director the Qurbatain aur Faasle uska naam kya tha Hawa ke naam now that means in the name of Eve us waqt se main conscious thi about women's rights and wo kahaniyan bhi khawateen ke bare mein thi I mean Hawa ki beti Tapish Zibanusa you've dealt with you know, birth control, women's health, wife beating. Yes. I mean, but was this a conscious theme or? George, ये मैं आपको बता दूँ. You had a plan. Absolutely, extremely conscious because जब मैं हवा की बेटी कर रही थी या तपिश कर रही थी, ना तपिश आपको पता है for the first time in the history of television. हम बहुत अरसे तक स्टूडेंट राइटिंग या स्टूडेंट यूनियन ये नहीं दिखा सकते थे पहली दफ़ा इसमें आया पॉलिटिशियन कभी स्क्रीन पे नहीं आते थे या उनकी कहानियाँ या उनके बारे में नो था यू कुडंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन तपिश एंड आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली उस वक्त बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ द मीडिया तो आई सेड ओके और वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स नूरुल हुदा शाह Who wrote तपिश हमने कहा चलो let's seek freedom है या नहीं है तो we did तपिश उसमें in fact शफी मोहम्मद played the politician and I remember there was a rape which was very important के उसी से कहानी आगे बढ़ती थी तो टीवी वाले लोग हैरान सारा ये आप कैसे करेंगे तो हो नहीं सकता मैंने कहा भाई दिखाना नहीं है अकल भी कोई चीज़ होती है थैंक यू और इसीलिए मैं कहती हूँ हमारा मीडियम इतना स्ट्रांग है कि बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं विदाउट बीइंग क्रूड विदाउट बीइंग वल्गर कि ऐसे आप ओछी चीज़ें ना करें लेकिन हाँ ये चीज़ें हमारे मुल्क में होती हैं ये एक हिस्सा है सोसाइटी का तो उसको मैंने ऐसे हैंडल किया कि विजुअली नहीं आपने देखा लेकिन इट अफेक्टेड द होल टर्निंग पॉइंट ऑफ द सीरियल तपिश यू नो सो कहने का मेरा मतलब ये है कि आई थिंक कि एज अ प्रोफेशनल इन माय फील्ड एज अ डायरेक्टर इसमें सटलिटीज इन्वॉल्व होती हैं लेकिन ये हाँ मैं ज़रूर इसमें आई टेक प्राइड कि जितने सीरियल्स मैंने किए वो मेरी काविश थी मैंने सोचा मैंने समझा कि ये मैंने करना है हवा की बेटी ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड एक स्लम चाइल्ड की कहानी